पॉज बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वहां पर भूकंप की खबरें सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। तो जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी मिल पा रही है कि भूकंप की इंटेंसिटी 4.1 थी। इधर उमेश पाल के परिवार की तरफ से आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। और जैसे ही SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा तो धूमनगंज के ACP को केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, साबिर के खिलाफ इस एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। क्योंकि उमेश पाल के परिवार की तरफ से मांग की गई कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो। कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे देश के शीर्ष पहलवानों से मिलने कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा गांधी पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिला पहलवान दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक से बात की। पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी पहलवान धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं, तो वहीं इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं। महिला पहलवानों ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। उन पर 2 FIR दर्ज हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर सूडान से आ रही है, जहां पर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। यहां पर सूबा में एक बैंक के लूटे जाने का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा के बीच दिन दहाड़े लोगों ने बैंक ऑफ खार्तूम को लूट लिया। वीडियो में बैंक में घुसकर लोग पैसे लूटकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको मौका मिला वो बैंक से पैसे लूटकर फरार हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है, जब वो रामपुर नगर पालिका के लिए होने जा रहे चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी फातिमा जबी मैदान में है। इस दौरान आजम खान ने चुनाव में हराने की चुनौती दी। हिंदुस्तान के 150 करोड़ में दो ही आओ, दो रामपुर वालों से चुनाव, अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। इतना ही नहीं, आजम खान ने ऐसे बयान दिए जिसे सुनाया नहीं जा सकता है, और अपने विवादास्पद बयानों की वजह से आजम खान फिर चर्चा में है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमानी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामलों पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद ऐसे अफसरों को चिन्हित करने और एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए गए। इन पर सांसद और विधायकों के प्रति शिष्टाचार नहीं पूरा करवाने का आरोप लगा, और अब मनमानी करने वाले ऐसे अफसरों पर सरकारी सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत एक्शन लिया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, DGP समेत कमिश्नर और सभी जिलों के DM को आदेश जारी कर दिए हैं।